अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेजबान आतिका शेख मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। नाजरीन, कुछ ही घंटों पहले एक नई सनसनाती खबर सुनने को मिली है। एंट्रा पार्टी के इलेक्शन के नतायज सामने आ चुके हैं। किस पार्टी को कौन सा ओहदा मिलेगा, पीटीआई एंट्रा पार्टी के इलेक्शन के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। और इमरान खान साहब ने अपने बिहाफ पर लड़ने के लिए जिसको नॉमिनेट किया था, ब्रिस्टर गौहर को नॉमिनेट किया गया था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब कर दिए गए हैं। उन्होंने कर लिया है, उन्होंने जीत लिया है मुकाबला, कामयाबी से जीत लिया है। और क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा साबित होगा, इमरान खान के लिए अच्छा साबित होगा, और जो कि इमरान खान के सपोर्टर हैं, क्या वो बैरिस्टर गौहर का साथ देंगे? ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं, जो पिछली जो कि सबको पता है कि इमरान खान साहब ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, पिंकी पीरनी के साथ मिलके काला जादू, सारी चीजें जितनी भी वो कर सकते थे इस सीट को हासिल करने के लिए, उन्होंने उन्होंने जितनी जद्दोजहद करनी थी उन्होंने की, और इतनी सारी जब आप मेहनत करके अपनी मेहनत आप किसी के हैंड ओवर कर देते हैं तो वो बहुत दुख की बात होती है इसके लिए। पता नहीं वो इस चीज पे खुश हैं या नहीं है, या वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि जब आप अपनी पावर, जब आप अपना हर चीज में किसी को पार्टनरशिप दे देते हैं, खास तौर पर अपनी पावर के साथ किसी को मुस्लिक कर लेते हैं या उसको मिला लेते हैं, उसके साथ शेयरिंग कर लेते हैं, जो कुछ आपने हासिल किया होता है उसमें शेयरिंग किसी के साथ कर लेते हैं, जैसे कि बरिस्टर गौहर साहब के साथ उन्होंने अपना, एक खान साहब ने कि उनके बिहाफ पर लड़ेंगे, उन्होंने अपनी सारी चीजें उनको दे दी कि हमारे म्यूचुअल फैसले होंगे, क्योंकि वो इमरान खान साहब तो अडियाला जेल में थे और अडियाला जेल में ये सब नहीं हो सकता, लेकिन वो शायद अडियाला जेल में सोच रहे हैं कि बैठ के वो खेलेंगे बैरिस्टर गौहर के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वो चेयरमैन तो मुंतखब कर दिए गए हैं, वो भी इमरान खान की वजह से। ये क्यों इमरान खान ने किया, क्या ये कोई नई गेम है? क्या इमरान खान साहब इस बात से खुश हैं, क्योंकि जो फैसले होंगे तरीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, कुछ भी जो फैसला होगा, तो बैरिस्टर गौहर क्या अडियाला जेल की तरह देखेंगे? कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी तो करेंगे, क्योंकि जब किसी के पास पावर आ जाती है, किसी के पास अथॉरिटी आ जाती है किसी चीज की, तो वो अपनी मनमानी कभी ना कभी तो करता है, क्योंकि बेलोस किसी की मदद नहीं की जाती। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, और उस्मान बाजार जैसा है जिसको, कुछ लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद अच्छा हो शायद अच्छा ना हो इमरान, लेकिन कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ बातें सामने आई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उमर अयूब पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। इलेक्शन कमीशन नियाजुल्ला नियाजी ने नामों का ऐलान कर दिया है कि कौन सा ओहदा कौन संभालेगा। जो बैरिस्टर गौहर हैं वो चेयरमैन पीटीआई मुंतखब कर दिए गए हैं, तो ये लोग इकट्ठे किए गए हैं, क्योंकि जो इंटर पार्टी के इलेक्शन थे इसलिए करवाए गए थे, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो तो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते और इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं करवा सकते थे, इलेक्शन में टाइम था। और इंटर पार्टी के इलेक्शन का ये मतलब है, ये पहली बार हो रहे हैं, तो ये मतलब होता है कि आप जल्दी से किसी चीज के इलेक्शन करवा दिए जाएं, क्योंकि बल्ले का निशान खत्म होने को था, फिर कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन वो लोग चाहते थे कि बल्ले का निशान राष्ट्रीय रहे, खत्म ना हो, तो इसलिए इंटर पार्टी के इलेक्शन करवाए गए थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने, साबिका चेयरमैन ने नॉमिनेट किया था बैरिस्टर गौहर को। अब बैरिस्टर गौहर क्या अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निभाएं, क्योंकि जो अली मोहम्मद खान साहब है ना, उन्होंने सारे जो राज है ना वो फाश कर दिए। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और वो निजी प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब तो मुतमिन नहीं है इस फैसले से, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो परेशान है, क्योंकि जब आप किसी को चेयरमैन मुंतखब करते हो, किसी पार्टी वो पार्टी को लीड करता है, वो पूरे मुल्क को लीड करता है, वो हमारा सरबरा होता है, जैसे किसी अदारे का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे ऑफिस का, किसी भी जगह का कोई हेड होता है ना, तो वो उसको लीड कर रहा होता है, वो जिम्मेदारी निभा रहा होता है, जैसे घर में माँ बाप होते हैं वैसे वो, ये पूरी इसके लिए फैमिली होती है, तो वो क्या ये लीड कर पाएंगे? और लीडर्स इतने ज्यादा होंगे, छुपे ढुके छुपे लीडर्स होंगे, तो वो ये क्या सही होगा? पता नहीं ये बात सही है, लेकिन इमरान खान साहब सुनने में आया कि ये इस बात से अगर उन्होंने लीडरशिप हाथ में थमाई है, लेकिन वो मुतमिन नहीं है, वो मुतमिन क्यों नहीं है ये हमें नहीं पता, उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि जो इतना सब मेहनत की, जितना सब खेला, उसके बावजूद वो मजीद खेल नहीं पाए, लोगों ने उनके हाथ तो रोक लिए, लेकिन उन्होंने कोशिश की है
और ये कोशिश कितना बैरिस्टर गौहर साहब उनका साथ देते हैं इमरान खान का, कितना तरीके इंसाफ के लिए अच्छा होता है, ये हकीकत कितनी सच निकलती है या तरीके इंसाफ के लिए अच्छी होती है, ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और आपको जरूर बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।